हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना करके आए हैं लच्छा पराठा, मसाला लच्छा पराठा। और हमने बनाया है पनीर की एक बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी, वो है कड़ाही पनीर। तो हाँ फ्रेंड्स, ये कॉम्बो बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉपुलर है। आप इसे लंच में बना लें, डिनर में बना लें, या वीकेंड पे बना लें, कभी भी बना लें, ये बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे गेहूं का आटा। तो इसके लिए हमने एक कटोरी को फिक्स किया है, इस कटोरी से हम 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे और 1 टीस्पून उसमें डाल देंगे अजवाइन क्रश करके। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अब हमें पानी के साथ एक सॉफ्ट आटा बनाना है। तो ये लीजिए, हमने आटा गूंद लिया है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। अब इसे ढक करके 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये लिया है हमने 200 ग्राम पनीर। तो पनीर का ये एक स्लैब है, इसे हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो ये 2 टुकड़े हो गए, इसे अलग रखते हैं। अब एक पैन को गर्म करके हम डालते हैं 1/4 कप ऑयल, कुछ खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग, इलायची का मुंह हमने खोल लिया है, ये छोटी वाली इलायची यानी कि हरी इलायची है। तो ज़रा सा सौटे करते हैं, तेल में खुशबू आ जाए मसालों की। और 1 टीस्पून डाल देते हैं हम ज़ीरा। मसाले अच्छी तरह से चटकने लगे हैं तो हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चॉप की हुई अदरक और 1 हरी मिर्च चॉप करके। हरी मिर्च आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद डाल देंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो है इसलिए कि मसाले जलने ना पाए, थोड़ा सा इसे भूनते हैं बस कुछ सेकंड के लिए, और फिर पानी मिला करके इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 मिनट ही भून लीजिए, काफ़ी है। तो मसाले भून गए हैं, ये देखिए बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। तो यही कलर हमारी ग्रेवी में भी जाएगा। अब हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो ये रेगुलर लाल मिर्च पाउडर है जो कि हम सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं। उसके अलावा अब हम डाल देंगे 1 कप टोमेटो प्यूरी। तो इसके लिए हमने 4 से 5 टमाटर को प्यूरी बना लिया था मिक्सी में, ग्राइंडिंग जार में डाल करके। तो टोमेटो प्यूरी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा का पाउडर। ये ज़ीरा, बिना भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर हमने डाला है। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे 1/2 कप पानी, क्योंकि टमाटर को अभी थोड़ा सा हमें पकाना है। और टमाटर डालने के बाद और पानी डालने के बाद अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना टेस्ट है उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कर देंगे। और ढक करके अब हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरह से कुक हो जाए। इधर जब तक मसाले हमारे पक रहे हैं, एक पैन में हम 2-3 टेबल स्पून ऑयल ले लेते हैं। अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और फिर गर्म होने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पनीर के 2 ब्लॉक्स बनाए थे ना, उन दोनों को फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। तो फ्लेम को अभी हमने मीडियम रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा फ्राई। तो देखिए एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और इससे क्या होता है कि पनीर करी में पनीर का टेस्ट बहुत अच्छा सा खिल करके आता है। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम निकाल लेंगे पनीर के टुकड़े को, एक साइड रखते हैं। और एक बाउल में पानी लेते हैं, उस पर थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं। और इस हल्दी वाले नमक वाले पानी में हम पनीर को डुबो देंगे। क्यों डुबो देंगे फ्रेंड्स, वो इसलिए कि हमारे पनीर सॉफ्ट बने रहे। तो पनीर के टुकड़े अच्छी तरह से डूब गए हैं और ऊपर से ढक देते हैं, अब इसे एक साइड रखते हैं। अब हमने 1 कप लिया है प्याज के टुकड़े को, देखिए इस तरह से वेजेस में काट लिए हैं, और 1 बड़ी शिमला मिर्च को भी काट लिया हमने। और उसी पैन में जिसमें हमने पनीर तला था तो थोड़ा ऑयल बच गया, उसी में हम हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा फ्लेम लो नहीं रखना है, बस हमें हाई फ्लेम पर थोड़ा सा हमारी सब्जियों को हल्का सा सॉटे कर लेना है। अब इसे भी एक साइड रखते हैं। चलिए पनीर को हम बाहर निकाल लेते हैं पानी से, उसे खुश कर लेते हैं पानी को, और अब हम पनीर के टुकड़े करेंगे। तो साइड से हमने अनियन वाले पीसेस को हटा दिया है, उसका भी यूज़ है, देखिएगा आप आगे वीडियो में कि हम क्या करते हैं। तो पनीर के आपको जैसे भी टुकड़े बनाने बना लीजिए, हमने रेक्टेंगुलर पीसेस रखे हैं, आप चाहे तो क्यूब की शक्ल में भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी है, देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे दबा दबा के बहुत ही स्पॉन्जी हो गया है हमारा पनीर। तो इसी तरह सारे टुकड़े कर लेते हैं, अब एक साइड रखते हैं इसे भी। इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट, बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अभी हमें कुछ और चीज़ें मिलानी है। तो ये पनीर का वो टुकड़ा है जो अनइवन सा था, उसे हमने काट के अलग कर लिया था ना, तो उसे ग्रेट करके डाल देते हैं हम अपने ग्रेवी में, ताकि ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। तो चूँकि हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ मैं आपको ये बताना भूल गई कि हमारी ये जो करी बनेगी बिना लहसुन प्याज के बनेगी, हम इसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो पनीर को हम ग्रेट करके डाल देंगे, उसके बाद हम 2 चम्मच दही डालेंगे और 1/2 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये इन लोगों के लिए भी हमारी करी बहुत फ़ायदेमंद है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये करी, और मज़े में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत पसंद किया जाता है फ्रेंड्स हमारे घर में भी। तो ग्रेवी में हम पनीर डाल देते हैं और प्याज और शिमला मिर्च को भी डाल देते हैं। अब हम 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे, तो इससे क्या होगा ना, ग्रेवी का टेस्ट थोड़ा इन्हेंस होगा। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो गाढ़ा रखिए, अगर थोड़ी पतली करना चाहते हैं, तो हमारे घर में थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी पसंद करते हैं लोग, तो मैंने थोड़ा सा पानी 1 लीटर पर मिला दिया, और अब इसे ढक करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ूंगी। तो ये लीजिए 2 मिनट हो गए और ये तैयार हो गई हमारी कढ़ाई पनीर बिना लहसुन प्याज के। तो देखा ना कितना आसान, कितना झटपट, कितना मज़ेदार बना है। ऊपर से थोड़ी सी धनिया की पत्ती से गार्निश कर देते हैं और हमारी कढ़ाई पनीर बनके तैयार है। चलिए अब बनाने चलते हैं हम अपने मसाला लच्छा पराठा को। तो आप ये लच्छा पराठा भी बनाएंगे तो देखिएगा कितना इजीली मैंने बनाया और लच्छे कितने अच्छे निकल के आए हैं। तो आटे को मसल के हमने लोई निकाल लिया है, तो हमने एक बड़ी रोटी बनाई है 1 लोई से, यानी कि 1 लोई हमने उतना लिया जितना कि 1 पराठे का लेते हैं। तो एक बड़ी सी रोटी बेल के उस पर 2-3 चम्मच ऑयल डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि मसाला लच्छा पराठा है, और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, और मैं ऊपर से थोड़ा सा अजवाइन और भी डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा हमारे पराठे में। और फिर सभी मसालों को मिक्स करके फैला लूँगी। अब देखिए इस तरह से रोटी को फोल्ड करना है, जिस तरह से बचपन में हम फैन बनाते थे ना पेपर का, बस उसी तरह से फोल्ड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और फोल्ड होने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे आटे को, इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, 1 उंगली देखिए बीच में रख के और इस तरह से घुमा लेंगे। देख रहे हैं आप, अभी से लच्छे निकल के आ गए हैं, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं लच्छे। तो पकने के बाद भी ये लच्छे इसी तरह अलग अलग रहेंगे। अब हम लोई बना के थोड़ी देर ढक लेंगे। तो फिलहाल हमने 2 ही पराठे की लोई बनाई है, तो अब हम इन्हें बेलेंगे कैसे वो आपको बताते हैं। हमने थोड़ा सा ऊपर से तिल भी डाल दिया, सफ़ेद और काला तिल मिला के, और पराठे को अपने हाथों से बढ़ाना है शुरू में, देखिए, और उसके बाद बहुत हल्के हाथ से हम बेलन से बेलेंगे, बहुत ज़्यादा हमें फोर्स नहीं लगाना वरना लच्छे चिपक जाएंगे। अब तवा को हम गरम कर लेते हैं, तवा मीडियम हॉट है, उस पर पराठे को डाला हमने, और इसी तरह अलग पलट के सेकेंगे जैसे कि नॉर्मल पराठे को सेकते हैं। तो दोनों तरफ से सिक जाने के बाद अब हम ऊपर से डाल देंगे ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने ऑयल डाला, तो ऑयल डालते ही ये सिकने लगता है और लच्छे अपने आप अलग होने लगते हैं, बहुत साफ खुल के लच्छे निकल रहे हैं, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं ना। तो बस दोनों तरफ से हमें सेक लेना, ये तैयार हो गया हमारा मसाला लच्छा पराठा। तो ये कढ़ाई पनीर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है,
बहुत पसंद से लोग खाते हैं और हमारे घर में तो मत पूछिए, बहुत ही पसंद किया जाता है। अभी मैं आपको लच्छी भी दिखा दे रही हूँ, देख रहे हैं ना कितने आसानी से निकल के आ रहे हैं, कहीं टूटा फूटा कुछ भी नहीं है और उतना ही सॉफ्ट है। तो आइए सर्व कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।